आई एम श्योर गाइस आप लोगों ने जो है नेटवर्किंग में काम करते हुए नेटवर्क स्विचेस को तो डेफिनेटली देखा होगा और उनके साथ में आपने काम भी किया होगा, लेकिन क्या आपको नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस यहां पे सबसे पहले बात करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स, ये होती क्या है। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज स्विचिंग टेक्निक्स, सो स्विचिंग टेक्निक्स जो है ये आपके उस मेथड को कहते हैं जिसके जरिए हमारा जो डेटा है ओवर द नेटवर्क एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। अब ऐसे में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होता है तो वहां पर एक डिवाइस हो सकता है, वहां पर मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं जिनके थ्रू हमारा जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे होते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसी मेथड को, इसी ट्रांसपोर्ट मेथड को जो है हम स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। लेकिन हमारे पास में यहां पे स्विचिंग टेक्निक्स की बात करें, टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास में तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक्स हैं। पहली होती है आपकी सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है आपकी मैसेजिंग टेक्निक स्विचिंग टेक्निक, और तीसरी होती है आपकी पैकेट स्विचिंग टेक्निक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सर्किट स्विचिंग के बारे में, सर्किट स्विचिंग मेथड टेक्निक्स के बारे में। सो बेसिकली इसके अंदर जो है एक डेडिकेटेड रूट जो है वो डिफाइन किया जाता है, तो जब तक वो आपका डेटा ट्रांसमिट होते रहता है तब तक वो स्पेसिफिक डेटा जो है उस पर्टिकुलर सर्किट से ही चलते रहता है। तो बेस्ट एग्जांपल इज योर कॉल, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो यहां पे जो है सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली अगर आपका ये सर्किट जो है ब्रेक कर दिया जाए तो आप दोनों का जो भी बात कर रहे हैं तो वो कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और कॉल वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। इसी वजह से यहां पे जब भी कॉल के थ्रू जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से जब तक हम बात करते हैं तब तक वो आपका जो सर्किट स्विचिंग है वो कंटिन्यू मेंटेन रहता है उस पर्टिकुलर रूट पे, सो दैट कि दोनों के बीच का जो डेटा है वो इजीली स्मूथली ट्रांसमिट होता रहे। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है मैसेजिंग स्विचिंग। सो मैसेजिंग स्विचिंग टेक्निक जो है ये बेसिकली आपके इस्तेमाल करी जाती है ऐसे डेटा के लिए जहां पर डेटा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि वो डेटा पूरा एक साथ ट्रेवल करे, राइट। कॉल के दौरान जो है हमारा डेटा जो है वो एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि हम एक बार नहीं बोल रहे, हम कंटिन्यू बोलते जाएंगे और डेटा ट्रांसमिट होता जाएगा। लेकिन ये कुछ मैसेज स्विचिंग के अंदर हमारे पास में कुछ ऐसा डेटा होता है जिसमें पूरा का पूरा डेटा जब आपका पूरा जो भी आपको ट्रांसमिट करना है जब वो रेडी हो जाता है उसके बाद ही उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है सबमिट किया जाता है हमारी टेक्नोलॉजी को। सो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं ईमेल की। अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल हम सबसे पहले जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो भी हमने मैसेज भेजना है सामने वाले को तो हम पूरा रेडी कर लेते हैं और रेडी करने के बाद हम उसको सबमिट करते हैं, सेंड करते हैं। तो ऐसे में जो हमारा जो डेटा है वो एक साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पहुंचता है, फिर वहां से तीसरे डिवाइस, इस तरह से करते करते जो है होस्ट टू होस्ट ट्रैवल कंप्लीट डेटा करते हुए डेस्टिनेशन के पास में पहुंचता है। तो इस मेथड को हम मैसेजिंग स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। तीसरी होती है आपकी पैकेट स्विचिंग। सो बेसिकली पैकेट स्विचिंग जो है ऐसे टेक्निक है जिसमें हमारा जो डेटा है वो एक साथ ट्रैवल नहीं करता लेकिन उसमें जो है आपका डेटा को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको सिक्वेंसिंग किया जाता है, और सिक्वेंस के बेसिस के ऊपर में आपका कोई एक स्पेसिफिक रूट नहीं, यहां पे डेटा को फास्ट ट्रैवल करवाने के लिए मल्टीपल रूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में आपका कोई भी डेटा हो सकता है, चाहे उसमें आपको जैसे एग्जांपल के लिए आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जो ब्राउजिंग कर रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक रूट से आए क्योंकि वहां पे कोई भी कनेक्शन का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो है आसानी से अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो डेटा आपके कंप्यूटर तक आ रहा है किसी भी सर्वर से, वेब सर्वर से, वो डेटा किसी भी रूट से आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, और यहां पर टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है पैकेट स्विचिंग मेथड। सो गाइस आई होप कि आपको ये तीनों ही जो टेक्निक्स हैं वो समझ में आई होंगी। पहली होती है हमारी सर्किट स्विचिंग, एक डेडिकेटेड रूट आपका फाइनलाइज किया जाता है और उसको कम एंड तक
तक जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है जब तक टर्मिनेशन ना किया जाए तब तक मेंटेन रखा जाता है। दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग, इसमें कोई स्पेसिफिक रूट तो डिफाइन नहीं किया जाता लेकिन जो डेटा है वो एक साथ एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक कंप्लीट डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो तीसरा मेथड है विच इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग में मल्टीपल रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को फास्टर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको जो है नेटवर्किंग स्विचिंग टेक्निक्स जो है वो क्या है और कितनी तरह की है और कैसे काम करती है ये आपको जो है पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन कोई भी सवाल पूछने से पहले उसके आगे हैशटैग आस्क मंजीत लगाना ना भूलें, सो दैट कि मैं आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आसानी से नेक्स्ट कमिंग जो संडे है उस दिन दे सकूं। सो गाइस फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप जो है नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फ्री के CCNA CCNP और लिनक्स को कोर्सेज को लाइव मेरे साथ YouTube पे ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का दिया गया है उस पर क्लिक करके आपको जो है एनरोल कर लेना है। तो जब भी जो भी क्लास होगी उसका क्या टाइमिंग रहेगा क्या टॉपिक रहेगा वो आपको ईमेल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।